इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, देशभक्त कहेंगे इनको बाप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? अतीक अहमद की हत्या के बाद यूपी में धारा 144 लागू हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज होगा अतीक और उनके भाई का पोस्टमार्टम। आपको हम बता दें कि अतीक अहमद 5 बार विधायक, 1 बार सांसद रह चुके हैं। 1989, 91, 93, 96, 2002 में लगातार विधायक चुने गए। वर्ष 2004 में फूलपुर सीट से सांसद चुने गए। उनके साथ मारे गए अशरफ भी 1 बार विधायक रह चुके हैं। 6 बार संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति को पुलिस व कैमरे के सामने मार दिया गया। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। इस बात पर जजों का कहना था कि अतीक पहले से ही पुलिस कस्टडी में है तो वहां सुरक्षित रहेगा। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन उवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उवैसी ने कहा है कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। क्या इसके बाद जनता को देश के संविधान और कानून व्यवस्था पर भरोसा होगा? गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, देशभक्त कहेंगे इनको बाप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग। तुम लोग वल्चर्स हो, अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसे लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। नेहा यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सत्ता त्याग देनी चाहिए। ठोक देंगे, पीट देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मार देंगे, ये मुख्यमंत्री की भाषा का स्तर है। भगवान श्री राम का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि हत्यारे गोली चलाते हुए जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, यही रामराज है। आईपी सिंह लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इस्तीफा देने का आदेश दें। यूपी में जंगल राज, एडीजी कानून व्यवस्था को तत्काल हटाया जाए। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट किया है शूट आउट लाइव, एनकाउंटर लाइव और कस्टडी में हत्या भी लाइव। उत्तर प्रदेश में सब कुछ लाइव है, बस सिर्फ कानून जिंदा नहीं है।